हेलो एवरीवन आज हम लोग पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पार्लियामेंट पार्लियामेंट से मान के चलिए यदि पॉलिटिक्स से सवाल बनता है तो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं पार्लियामेंट से सवाल बनने के क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बनाने को क्वेश्चन बनाने वाले को या फ्रेम करने वाले को काफ़ी स्कोप होता है कि वो काफ़ी डायमेंशन मिलती है क्वेश्चन बनाने के लिए आपने लोकसभा का नाम सुना होगा आपने राज्यसभा का नाम सुना होगा तो फिर ये पार्लियामेंट क्या है दरअसल पार्लियामेंट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं एक होता है लोकसभा हाउस एक होता है राज्यसभा हाउस लोकसभा हाउस और राज्यसभा हाउस ये दोनों मिलके पार्लियामेंट बनती है इन दोनों हाउसेस के अपने अपने काम हैं कुछ सिमिलर हैं कुछ डिफरेंस है यहां पर बैठने वाले लोगों में कुछ सिमिलरिटीज हैं यहां पर बैठने के लिए क्वालिफिकेशन में कुछ सिमिलरिटीज हैं कुछ अलग अलग बातें हैं तो हम पूरी बातें समझेंगे सबसे पहले बात करें यहां पर तो हाउस हाउस मतलब कहीं एक से ज्यादा लोग होंगे तो यहां पर कितने लोग होते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पर इसी तरीके से पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट में कितने लोग बैठते हैं जो बैठते हैं वो कितने साल के लिए बैठते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है यदि वो उत्ते साल के लिए बैठे तो उनको क्या डिस्कवालीफाई करा जा सकता है फिर उसके बाद हम ये काम क्या करते हैं ऐसे एक एक करके हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा की लोकसभा की कितनी स्ट्रेंथ है और राज्यसभा की कितनी स्ट्रेंथ मैं इसको सबसे पहले इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये ऐसा सब टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कंफ्यूज यहां पर दो तरीके के डाटा आपके सामने रखेंगे और उन्हीं के बीच से उन्हीं के वजह से यहाँ पर बच्चा एग्जाम में या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज जब वो ज्वाइन करता है या टेस्ट दे रहा है तो ऐसे सवालों में वो ज़्यादा कंफ्यूज होता है मैं आपसे पूछूं लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं राज्यसभा की कितनी स्ट्रेंथ है बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है क्योंकि पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम पॉलिटी के टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा में लोकसभा में मैक्सिमम नंबर्स हैं 550 और राज्यसभा में मैक्सिमम मेंबर्स हैं 250 अब आप कुछ अपडेटेड बुक्स नहीं लोगे अब सबसे पहले लेने का रीज़न ये भी है कि यहाँ पर कुछ बुक्स में 552 लिखा होगा दरअसल जो 552 में दो एम जो थे नॉमिनेटेड एम थे वो थे आपके एंग्लो इंडियंस लेकिन इनको हटा दिया गया है अब ये एंग्लो इंडियंस के लिए दो सीट का रिजर्वेशन हटा दिया गया है तो 552 में से यदि दो गया तो कितना बजा 550। तो अभी कितना है 550 आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गई 550 और 250 ये डाटा क्या है मैक्सिमम इससे ज्यादा लोग राज्यसभा में नहीं बैठेंगे इससे ज्यादा लोग लोकसभा में नहीं बैठेंगे ये तो मैक्सिमम है एक्चुअल कितने हैं जैसे आप कोई भी एग्जाम देते हो तो उस एग्जाम में क्या होता है मैक्सिमम मार्क्स लिखे होते हैं जैसे आपके हंड्रेड है तो आपके मैक्सिमम हंड्रेड आ सकते हैं नाइनटी नाइन आ सकते हैं लेकिन आपके एक्चुअल मार्क्स कुछ हंड्रेड हो जरूरी नहीं है हा हंड्रेड हो सकते हैं लेकिन हंड्रेड से कम या हंड्रेड होंगे उसी तरीके से ये बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम सीट्स कितनी है तो ये कितनी है फाइव फिफ्टी लेकिन एक्चुअल बात करें एक्चुअल बात करें या यूं बोलें करंट या प्रेजेंट केवल लोकसभा में और राज्यसभा में तो फाइव फिफ्टी मैक्सिमम है इसमें से फाइव फोर्टी थ्री तो पूरी भरी हुई है दो सौ पचास लोग मैक्सिमम है जिसमें से दो सौ पैंतालीस करंट स्ट्रेंथ है यानी अलग अलग यहां पर देखिए यहाँ पर एक लिस्ट बना लीजिए आप यहां पर हो गया आपका लोकसभा यहां पर हो गया आपका राज्यसभा जो भी लोग लेक्चर देख रहे हैं यदि वह कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो यह मान के चलिए यह लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है हम इसको यहां तक पूरी फिल करें सबसे पहले हमने बड़ा मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोले अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कितना है 550 और 250 और प्रेजेंट स्ट्रेंथ की बात करें या करंट uh, स्ट्रेंथ आज की 2023 में वो है आपकी 543 और 245 अब देखिए फाइव टू फोर्टी टू फिफ्टी में भी जिसको दो तरीके से डिवाइड रखा है टू थर्टी एट इलेक्टेड एंड रेस्ट ऑफ दी मेंबर्स नोमिनेटेड जबकि इन फाइव फिफ्टी में कोई दो इंग्लो इंडियन थे उनको ऑलरेडी रिमूव कर दिया तो आई ऑल पूरे के पूरे फाइव फिफ्टी क्या है ऑल आर इलेक्टेड तो कई बार ऐसे सवाल बनेंगे कि लोकसभा फुल्ली इलेक्टेड बॉडी है जी हाँ राज्यसभा फुल्ली इलेक्टेड बॉडी है गलत राज्यसभा में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स होते हैं 238 इलेक्टेड और नॉमिनेटेड की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जबकि एचएल की बात करें तो एचएल की बात करें तो बारह मेंबर मैक्सिमम जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं जबकि टू यहां पर देखिए 245 टोटल है मैक्सिमम कितना है 250 फिफ्टी जिनमें से प्रेजेंट कितना है 245 245 में से 233 थर्टी थ्री इलेक्टेड जबकि बारह मेंबर्स नॉमिनेटेड एक ऐसे नोमिन ऐसे मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है यहां पर एक कंसेप्ट समझ लीजिए आप नॉमिनेटेड मेंबर्स वो होंगे प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट और ये पर्सन कौन होंगे कल को आपको उठा के नॉमिनेट तोड़ी कर दिया जाएगा ऐसे पर्सन जिन्हें आर्ट्स लिटरेचर आर्ट्स लिटरेचर इसके अलावा आपका स्पोर्ट्स सोशल वर्क इन सब सेक्टर्स में एक अच्छा खासा इन्होंने काम करा हो इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो एक अच्छी खासी नॉलेज हो वहां पर जबकि टू थर्टी थ्री इलेक्टेड मेंबर्स में से टू ट्वेंटी नाइन स्टेट्स से इलेक्टेड होते हैं रेस्ट ऑफ द फोर यूटीज़ से और ये यूटीज़ भी कौन कौन सी हैं जम्मू कश्मीर दिल्ली और पौंडीचेरी अब देखो इन टू टू ट्वेंटी नाइन स्टेट्स में भी मैक्सिमम जो होते हैं वो आपके थर्टी वन मेम्बर्स यूपी से आते हैं और बाकी के आ, इसके बाद कम होते जाते हैं कहीं से एक भी आते हैं जैसे त्रिपुरा मिजोरम यहाँ से एक एक मेंबर चुन के आता है राजस्थान से बारह आते हैं तो ये बारह वहाँ से आएंगे इकतीस यहाँ से आएंगे ये सारी बातें कहाँ पर लिखी हुई है ये जो टू टू थर्टी थ्री सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ ये कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल फ़ोर में लिखा हुआ है तो कई बार पूछ देता है शेड्यूल फोर किससे रिलेटेड है तो शेड्यूल फोर रिलेटेड है राज्यसभा में सीटों इलेक्टेड जो सीटेड होती है उनके डिस्ट्रीब्यूशन से तो शेड्यूल फ़ोर ये पूरा मैकेनिज्म हमने समझा लोकसभा का क्या है सीन लोकसभा में 543 550 मैक्सिमम है जिसमें से 543 एक्चुअल है ऑल आर इलेक्टेड अब यहाँ पर जहाँ ये स्टेट के बेसिस पे रिप्रेजेंट नहीं होता ये आपके हर कॉन्स्टिटेंसी बनाई जाती है और वहां से एक पर्सन इलेक्ट होता है तो यहाँ पर वहां पर यहाँ पर आओ तो ये फाइव फोर्टी बात करें यदि एक के जो 543 मेंबर्स आते हैं वो कितने साल के लिए आते हैं की तो ये इनका टेन्योर होता है पांच साल का और इनका टेन्योर होता है छह साल का पांच साल के लिए कोई मेंबर लोकसभा में चुना जाएगा छह साल के लिए मेंबर चुना जाएगा लेकिन उस मेंबर किसको चुना जाएगा आपको मेरे को कौन चुन सकता है तो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है नेक्स्ट क्वालिफिकेशंस में है पहला तो वही सिटीजन ऑफ इंडिया दूसरा वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पे ना हो सेंट्रल अथॉरिटी या स्टेट अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर थर्ड उसका मिनिमम एज ट्वेंटी फाइव ईयर्स तो होना ही चाहिए यहाँ पे पहला और दूसरा कॉमन है पहला दूसरा कॉमन मतलब मैंने कहा था आपको कुछ चीज़ें कॉमन होगी कुछ चीज़ें डिफरेंट होगी पहली दो चीज़ें पहली दो शर्तें क्वालिफिकेशन चुनाव लड़ने के लिए कॉमन है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो एंड थर्ड दैट इज मिनिम एज नॉट ट्वेंटी फाइव इट्स थर्टी ईय और डिफ्रेंस की बात करें तो लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल लोगों का हाउस जबकि राज्यसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट क्योंकि यहाँ पर जो मेम पीज होते हैं वो स्टेट को रिप्रजेंट करते हैं जैसे जैसे यहाँ पर देखो थर्टी थ्री एम यूपी को रिप्रेजेंट कर रहे थे बारह एम राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो क्या हुआ ये हाउस ऑफ स्टेट जबकि इसको क्या बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल क्योंकि आपने यहां पर देखा था मैंने कहा था आपको पूरे इंडिया की टेरिटरी को अलग अलग कॉन्स्टिटेंसीज में डिवाइड करा जाता है और हर कॉन्स्टिटेंसी का एक लीडर अपनी पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है तो हाउस ऑफ पीपल ठीक है तो ये पूरी बात हमने समझी अब बात करें हमने पढ़ लिया कि टेन्योर क्या है क्वालिफिकेशंस क्या है स्ट्रेंथ क्या होती है स्ट्रेंथ में भी हमने एक्चुअल मैक्सिमम और एक्चुअल दोनों को देखा अगली बात करें यहां पर कि कोई भी मेंबर चुना जाता है तो वहां लोकसभा में जो मेंबर चुने जा रहे हैं और राज्यसभा में जो मेंबर चुने जाते हैं वो एक एक मेंबर जो है वो पांच साल के लिए चुना जा रहा है और लोकसभा में और राज्यसभा में छह साल के लिए चुना जा रहा है क्या उन्हें पांच साल या छह साल के पहले भी डिस्कवालिफाई करा जा सकता है तो डिस्कालिफिकेशन ऑफ एम एमपीस का डिस्कालिफिकेशन तीन बेसिस पे हो सकता है पहला अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा अकॉर्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ नाइनटीन एटी फाइव क्या यूं बोले शेड्यूल टेन देखो शेड्यूल फोर हमने पढ़ लिया आज ही शेड्यूल टेन भी आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आरपीए 1951 पहले बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में यह बोला गया है जैसे अपने अपने क्वालिफिकेशन में पढ़ा था कि ही या शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया यदि वो सिटीजन ऑफ इंडिया ये प्रूव हो जाता है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी यदि ये प्रूव हो जाता है कि उसने अब सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए वही पर्सन एम बन सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का लेकिन यदि ये प्रूव हो जाता है कि वो उसने किसी दूसरे कंट्री की सिटीजन ले ली और खुद ने इफ ही या शी टुक वॉलेंटरी सिटीजनशिप ऑफ अनादर कंट्री यानी दूसरे वॉलेंटरी किसी कंट्री की सिटीजनशिप ले ले यदि वो ये हो जाए कि बैंक करप्ट है इसी तरीके से आप क्वालिफिकेशन में जाओ वहां क्या क्या था सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए यदि वो नहीं होता क्वालिफिकेशन में जाओ वहां क्या था मिनिमम एज यदि उसकी एज प्रूव हो जाती है क्वालिफिकेशन में क्या था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पे नहीं हो यदि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पर हो तो भी उसकी मेंबरशिप चली जाएगी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो तीसरा चौथा बात अब एमपी एक रिप्रेजेंटेटिव एक रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदारी है यदि वो किसी तरीके से अनसाउंड माइंड डिक्लेयर होता है और ये अनसाउंड माइंड आप और यह मैं डिक्लेयर नहीं करूंगा हम तो हमारे सांसदों को आए दिन पागल दिवालिया घोषित करते रहते हैं आए दिन हम उनको मानसिक रूप से पागल घोषित करते रहते हैं यदि ये अनसाउंड माइंड कोर्ट की नज़र में कोर्ट की नज़र में तो इन सारी कंडीशंस में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये वो बातें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है किसी भी एमपी के डिस्क्वालीफाई करने की 1985 के एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या लिखा हुआ है यदि कोई मेंबर अपनी पार्टी चेंज कर लेता है एंटी डिफेक्शन लॉ तो उसकी मेंबरशिप चली जाती है जबकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग यदि उसका इलेक्शन रिजेक्ट हो जाता है रिजेक्ट क्यों होगा उसने इलेक्शन में अपनी प्रॉपर्टी का गलत बोरा दिया हो या अपने बारे में कोई भी चीजें गलत बताई हो तो यदि उसका इलेक्शन आपने क्रॉस वोटिंग कराई हो या क्रॉस वोटिंग कराई हो या गोस्ट वोटिंग कराई हो गोस्ट वोटिंग का मतलब होता है आ, एक पर्सन को दो बार या जिन्हें वोट नहीं देना था उनसे भी वोट दिलाना तो गोस्ट वोटिंग कराई हो रिजेक्ट होने के कई सारे बेसिस हैं गोस्ट वोटिंग हो फर्जी वोटिंग जिसको बोल सकते हो आप इंफॉर्मेशन गलत दी हो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ये सब दूसरा यदि एक कुछ चुने हुए पर्सन को किसी क्रिमिनल ऑफेंस में क्रिमिनल ऑफेंस में दो साल या ज़्यादा की सज़ा मिल जाती है तो मोर देन टू ईयर पनिशमेंट तो दो साल तक तो तुम जेल में बैठे रहोगे चलो निकालो इनको यहाँ से डिस्कवालीफाई करो तो डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है तो ये तीन बेसिस पे हमने पूरा पढ़ा अक्सर किताबों में केवल ये लिखा होता है और ये लिखा तो होता है लेकिन कहीं और जगह फिर ये आर आपको आर अलग से पढ़ना पड़ता है तो जरूरत होती है मिक्स करने की और ये प्लेटफॉर्म यही है आपको इस तरीके के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने का यही फायदा मिलता है कि चीजों को एक साथ इकट्ठा करके भाई चीज तो एक ही है टॉपिक तो एक ही है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एम अब बात करें वापस से हम लोग चलते हैं हमने देख लिया कि कितने लोग बैठेंगे कितने साल के लिए बैठेंगे कौन बैठ सकता है उनको टाइम से पहले हटा सकते हैं डिसक्वालीफाई कर सकते हैं नहीं कर सकते सब कुछ देख लिया बात करते हैं वापस से चलते हैं लीडर्स ऑफ पार्लियामेंट लीडर्स ऑफ पार्लियामेंट देखिए यहां पर लीडर्स का मतलब अलग है एक होती है लोकसभा एक होती है राज्यसभा यहां पर आपको तीन तरीके के पर्सनालिटीज देखने को मिलेगी एक होते हैं लोकसभा के हेड जिनको बोला जाता है स्पीकर एक होते हैं राज्यसभा के हेड जो कि चलाते हैं चेयरमैन और ये होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों होते हैं मैंने ऑलरेडी आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ाया था तो उसमें बता दिया था एक होते हैं लीडर ऑफ लोकसभा देखो हेड अलग चीज है और लीडर अलग चीज है तो लीडर ऑफ लोकसभा और एक होगा आपका लीडर ऑफ राज्यसभा लीडर ऑफ लोकसभा जनरली प्राइम मिनिस्टर होते हैं और मतलब लीडर ऑफ लोकसभा मतलब लोकसभा में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है जिस भी अलायंस की सरकार है उसके जो हेड हैं कौन होंगे जिसकी सरकार है वो प्राइम मिनिस्टर जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के ही लीडर बने हो सकता है कि वो राज्यसभा के भी लीडर बन जाए यहाँ पर ये चीज़ होती है जनरली कि आपका प्राइम मिनिस्टर जिस भी हाउस से के आ रहा है वो वहाँ का हेड होता है पर जनरली इंदिरा गांधी को छोड़ दे और मनमोहन सिंह को छोड़ दे तो हमारे यहाँ के लगभग सारे प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से ही आए हैं तो अक्सर हमारे यहाँ पर लीडर ऑफ लोकसभा कौन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर अब ये तो इधर के बन गए फिर यहाँ पर किसको बिठाएं हमारे यहाँ तो वाइस प्र... वाइस प्राइम मिनिस्टर जैसा पद भी नहीं होता उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़ के वो किसी ने लिया भी नहीं फिर क्या करें तो प्राइम मिनिस्टर किसी सीनियर मिनिस्टर को या एमपी को जरूरी नहीं है कि मिनिस्टर ही हो पर जनरली मिनिस्टर ही होता सीनियर मिनिस्टर या एमपी को अपॉइंटेड कर देता है एज ए लीडर ऑफ राज्यसभा और ये कौन अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर अरे यार यहां तो मैं देख रहा हूं तुम यार वहां का देख लो तो कौन अपॉइंट करा प्राइम मिनिस्टर एक होता है लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में भी और एक होता है राज्यसभा में भी लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा देखो एक तो होगी जिस पार्टी की गवर्नमेंट है लेकिन जिस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है जो पार्टी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है लेकिन ऑपोजिशन में बैठी है और जिसे सबसे ज्यादा सीट्स मिली है सबसे ज़्यादा सीट्स जीतने वाली अपोजिशन की पार्टी लेकिन ये सबसे ज़्यादा सीट जीतेगी ऐसा नहीं हो कि जैसे राज्यसभा में टू फोर्टी फाइव हैं अब दो चालीस तो एक के पास है और पांच सीटें अपोजिशन के पास है जिसमें से भी तीन एक के पास एक 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 के पास तो ये तीन वाले को अपोजिशन का लीडर बना ऐसे नहीं हाइएस्ट सीट हो जो कि मिनिमम टेन परसेंट या फिर वन बाय टेन सीट्स तो होनी ही चाहिए वन बाई टेन सीट्स मतलब एक ऐसी अपोजिशन पार्टी जिसे अपोजिशन की सभी एक ऐसी पार्टी जो कि ओपोजिशन में बैठी है और अपोजिशन में सभी पार्टियों में जिसे सबसे ज़्यादा सीट्स मिली है लेकिन ये सीट्स लोकसभा में मिनिमम वन बाई टेंथ होनी चाहिए यानी फाइव फोर्टी थ्री का टेन परसेंट कितना हुआ मिनिमम पचपन सीट तो होनी चाहिए इसी तरीके से राज्यसभा में टू फोर्टी फाइव का वन बाई टेन या टेन परसेंट कितना हुआ मिनिमम ट्वेंटी फाइव सीट्स होनी चाहिए तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन का पार्ट है और उसे लोकसभा में है तो उसे मिनिमम पचपन सीट्स हैं या राज्यसभा में पच्चीस सीट है तो उसे लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाता है तो मिनिमम वन बाय टेन और यहाँ पर भी मिनिमम वन बाय टेन अभी लीडर ऑफ अपोजिशन पिछले दो लोकसभा के में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिल पा रहा क्योंकि एक पार्टी को छोड़कर ऑपोजिशन में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसे मिनिमम वन बाय टेन सीट मिली हो मिनिमम वन बाय टेन मतलब मिनिमम पचपन सीट्स भी मिली हो तो कांग्रेस को भी अभी पचपन सीट नहीं मिल पा रही है लास्ट दो इलेक्शन से तो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खाली है तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में हमने पढ़ा और यदि और चले पार्लियामेंट में और क्या क्या होता है तो पार्लियामेंट में आपके और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे पार्लियामेंट में आपके और चीजों में बात करें तो एक होता है आपका पार्लियामेंट का काम है लो बनाना यानी पार्लियामेंट का काम क्या है कानून बनाना और ये कानून बनाने के लिए कई तरीके के बिल लाए जाते हैं अब बिल कितने तरीके के होते हैं हमारे यहाँ पर ये पढ़ना है हमको देखिए टाइप्स ऑफ बिल बिल को अलग, अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है पहले समझते हैं एक होता है सरकारी बिल गवर्नमेंट बिल एक होता है पब्लिक बिल प्राइवेट बिल जो बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में सरकार के मेंबर सरकार का मेंबर मतलब किसी मिनिस्टर के द्वारा रखा जाता है उसको गवर्नमेंट बिल बोलते सरकारी बिल लेकिन ग, जो एक ऐसे एम क्या केवल सर पार्लियामेंट में कानून बनाने की क्या कोई इनिशिएट लेने की जिम्मेदारी केवल मिनिस्टर्स की होती है क्या एमपी नहीं रख सकते रख सकते एक ऐसा एमपी चाहे वो किसी उस पार्टी का हो जो ओपोजिशन में है चाहे वो सत्ता वाली पार्टी का हो लेकिन उसको मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह नहीं मिली तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल एम एक्सेप्ट एम पी आर हुआ पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यदि वो कोई बिल रखते हैं तो उसको प्राइवेट बिल रखा जाता है ये तो बिल का क्लासिफिकेशन हो गया उसको लाक ऊन रहा है सरकार का आदमी या फिर जो सरकार का आदमी नहीं है वो हालां एम पी इसी तरीके से टाइप्स ऑफ बिल बिल के नेचर की बात हिसाब से तीन तरीके के होते हैं जनरल बिल जिसको सामान्य विधेयक भी बोलते हैं मनी एंड लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जनरल बिल की बात करें तो जैसे जो भी जनरल काम है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है फॉर एग्जाम्पल लड़कियों की शादी की एज जो अट्ठारह साल से बढ़ाकर इक्कीस साल करनी है इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना है और ऐसे बिल जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो रहा हो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बिल बोलेंगे जबकि मनी बिल क्या है जहां पर बात पैसे की हो पैसे निकालने की हो और पैसे निकालने की जरूरत होगी तो वो आपका मनी बिल कहलाएगा अब 18 से 21 करना है शादी की है तो कौन सा मॉनेटरी वैल्यू शामिल है तो इसमें मॉनेटरी वैल्यू शामिल होती है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट शामिल होता है बाकी ये तो है ही सही सामान्य विधेयक अब इसको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है कहीं से भी ले आओ इसको केवल लोकसभा में लाया जाता है क्योंकि पैसा पब्लिक का होता है तो पब्लिक का पैसा होता है आपका पैसा है सरकार के पास तो पैसा कहाँ पर कैसे खर्च करना है तो ये आप डिसाइड करोगे आप मतलब आपके चुने हुए लोग कहाँ पर हैं, लोकसभा या राज्यसभा लोकसभा तो आपके चुने हुए लोग मतलब राज्यसभा तो लोकसभा डिसाइड करेगी तो ओनली इन लोकसभा में रखा जाता है और राज्यसभा इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह रखा जा सकता है इसको पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है सिंपल मेजोरिटी का मतलब हो गया वन बाय टू मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए इसको पास करने के लिए भी सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है मतलब वन बाय टू मेंबर जबकि इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी टू बाय थर्ड मेंबर का सपोर्ट होना जरूरी है तो हमने बिल्स के बारे में ही पढ़ा अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कैसे सेशंस बुलाए जाते हैं और भी कई सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलेगी इस पार्लियामेंट का पार्ट टू भी हम जल आपके लिए लाएंगे आज इतना ही था थैंक यू